दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 3 जनवरी 2023 मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में यहाँ पर सीधी बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है, बिना परीक्षा के भर्ती है। आंगनवाड़ी के लिए भी बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। फूड डिपार्टमेंट यानी कि खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल सेक्टर के साथ साथ में और भी विभागों में बम्पर भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 10वीं पास और 12वीं पास के लिए भी आवेदन करने का सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, बिना परीक्षा की भी यहाँ पर भर्तियाँ निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 3 जनवरी 2023 की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे में। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। अप्रेंटिस के लिए 1785 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 फरवरी 2023 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष यहाँ पर इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ₹100 आवेदन शुल्क के रूप में आपको जमा करने होंगे। SC ST PWBD या वोमेन कैंडिडेट को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से ही आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप यहां पर आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। RRCSER.CO.IN ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहां पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान में, WCD राजस्थान आंगनवाड़ी के लिए यहाँ पर ये भर्ती है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर या मिनी आंगनवाड़ी वर्कर या आशा सहयोगिनी की पोस्ट यहाँ पर निकली है। 500 से अधिक वैकेंसीज निकली है आंगनवाड़ी राजस्थान के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पर 18 जनवरी 2023 है। सेलली आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। 10वीं पास और 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष है और SC ST विडो या डिवोर्सी के लिए यहाँ पर मैक्सिमम आयु सीमा 45 वर्ष है। बात अगर एप्लीकेशन फीस डिटेल की जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है WCD.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में व्यावसायिक परीक्षा मंडल MPPB के अंतर्गत ये भर्ती है। ये भर्ती होगी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के माध्यम से। MSTT की ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए 30 जनवरी 2023 से शुरू होंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 13 फरवरी 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 13 फरवरी है। करेक्शन की लास्ट डेट 18 फरवरी 2023 है। एग्जाम डेट 25 अप्रैल 2023 है। सेलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। बैचलर डिग्री BEd, BL.ed, BA.ed, BSc.ed से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। फीस जनरल या अदर स्टेट के लिए 660 है, SC ST OBC के लिए 360 है, जो कि आप कैश कियोस्क, डेबिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पे।
ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन MP मध्य प्रदेश है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। pb.mp.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, MLHP कम CHO की भर्ती है। 527 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 1 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 14 जनवरी 2023 है और एग्जाम की डेट 29 जनवरी 2023 है। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 29-30 जनवरी 2023 को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 6-14 फरवरी 2023 है। फाइनल रिजल्ट जारी होगा 17 फरवरी 2023 को। काउंसलिंग और ज्वाइनिंग की डेट 20-27 फरवरी 2023 है। 25,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BAMS से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है, अदर कैंडिडेट के लिए 100 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। OMR बेस्ड एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग के आधार पे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है nhmhariana.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, बिजली भाग के अंतर्गत ये भर्ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की पोस्ट है। 157 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 जनवरी 2023 है। 35,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। CISA या DISA से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है tsnpdcl.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें 6 नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है बिहार फूड एंड सप्लाई कॉरपोरेशन यानी कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम और बिहार फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट यानी कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत बिहार फूड डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट की अगर इसमें बात की जाए तो इसमें पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोलर अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। 526 टोटल वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की अगर बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 133 पद है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 262 है, क्वालिटी कंट्रोलर के लिए 101 है, अकाउंटेंट के लिए 10 है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भी 20 वैकेंसीज है। आवेदन करने की अंतिम तिथि एक्सटेंडेड कर दी गई है, जो 2 जनवरी थी उसको बढ़ाकर अब 12 जनवरी 2023 कर दिया गया है। बात अगर यहाँ पर सैलरी डिटेल की जाए तो लेवल 247 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, BSc, BCom, CA, MBA से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। 21 से 37 मेल, 21 से 40 फीमेल के लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC WS के लिए 1200 है, SC ST PH के लिए 600 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। bcecbo.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है मानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में, कोल इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती है। जूनियर ओरमैन माइनिंग सिरदार सर्वेयर की पोस्ट है। 295 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 3 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जनवरी 2023 है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। 12th डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल OBC WS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये प्लस 180 GST है। SC ST PWD ESM फीमेल एम्प्लॉय जॉब कोल इंडिया लिमिटेड को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। mahanadikol.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 8th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है
वो निकले दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। DSSSB के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGDT इकोनॉमिक्स फीमेल की पोस्ट है। वैकेंसीज आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 3 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 फरवरी 2023 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 36 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहाँ पर जमा नहीं करनी होगी। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। DSSSB.dilli.gov.in और DSSSB.online.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की यानी कि 3 जनवरी 2023 मंगलवार की Top 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।